नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। कट्टर ईमानदार आज के भगत सिंह, भारत रत्न के दावेदार, दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री, ये वो तमके हैं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के नंबर दो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद उनको दिए थे। लेकिन आज शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहां तक पैसों के ट्रांसफर का मामला है, टेंटेटिवली 338 करोड़ रुपए साबित हुए हैं, इसलिए हम ये जमानत याचिका खारिज करते हैं। 338 करोड़ रुपए और भारत रत्न के दावेदार मनीष सिसोदिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आज का ये रुख बेहद अहम है, क्योंकि शराब घोटाले में पहली बार मनी ट्रेल को लेकर जांच एजेंसी के दावों को कोर्ट ने मान्यता मिलती दिखी है। शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा डिफेंस अब तक यही रहा कि मामले में एक भी पैसे की लेन देन का सबूत नहीं है। सवाल पब्लिक का है कि क्या आज मनी ट्रेल को लेकर जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है वो केजरीवाल के लिए सबसे बड़ा झटका है? क्या दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी और सीबीआई के पक्के सबूत विपक्ष के इन दावों की हवा निकालने के लिए भी काफी हैं कि जांच एजेंसियां सिर्फ विपक्ष को परेशान कर रही हैं? यहां आज मैं तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के मामले का भी खास जिक्र करना चाहूंगी, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्रालय ने महुआ के इस दावे पर पानी फेर दिया है कि कारोबारी दर्शन हीरा नंदानी ने पीएमओ के दबाव में एफिडेविट दिया। क्या हुआ है आगे बताऊंगी, लेकिन आज सवाल पब्लिक का है, क्या 338 करोड़ की मनीष सिसोदिया की हेरा फेरी साबित हुई? क्या इससे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें भी बढ़ रही है? यही है आज सवाल पब्लिक का। फरवरी 2023 को गिरफ्तार होते हुए मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर छठी बार आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। 6 बार एप्लीकेशन जमानत की डाली गई हैं और 6 के 6 बार ये खारिज हुई हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट से उनको मिली ये नाकामी पूरी आम आदमी पार्टी को सदमा देने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले पर सीबीआई और ईडी दोनों मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर सीबीआई की चार्जशीट में लिखी बातों को टेंटेटिवली स्वीकार किया है। सीबीआई चार्जशीट के मुताबिक पुरानी शराब नीति में 5% कमीशन के बदले अब रद्द हो चुकी शराब नीति में एक्स्ट्रा 7% कमीशन मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक बड़ा सबूत बन रही है। मेरे हाथ में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी भी है और इस जजमेंट की कॉपी में मैं आपको दिखाना चाहती हूं कि क्या लिखा है। ये मैं नहीं कह रही, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। यहां पर पेज नंबर 33 पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है, फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी विदाउट मेकिंग एनी एडिशन सब्ट्रैक्शंस और अ डिटेल्ड एनालिसिस वी वुड लाइक टू रिकैपिचुलेट व्हाट इज स्टेटेड इन द चार्जशीट फाइल्ड बाय सीबीआई। यानी के देयर कमीशन फी फ्रॉम 5% अंडर द ओल्ड पॉलिसी टू 12% अंडर द न्यू पॉलिसी, यानी के conspiracy was hatched to carefully draft the new policy ताकि commission जो है वो 5% से 12% पर चली जाए। ये conspiracy की बात जो CBI ने अपनी chargesheet में लिखी है उसको Supreme Court ने लगभग मान लिया है। और इसके बाद Supreme Court ने क्या कहा है, यहाँ पेज नंबर 35 पर है, The excess amount of 7% यानी 5% से 12% जब ये गया कमीशन का जो रेट था तो 7% एक्स्ट्रा कमीशन मिली और ये 7% 338 और उसके आगे देखिए ये 7 जीरो लगे हैं यानी के 338 करोड़ रुपए
138 करोड़ कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस, यानी कि ये एक साजिश थी और ये सेक्शन 7 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत ये ब्राइब का अमाउंट है जो 7% एक्स्ट्रा मिले, ये घूसखोरी थी, ये ब्राइब का अमाउंट है। दिस अमाउंट वॉज अर्नड बाय द होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स इन अ स्पैन ऑफ 10 मंथ, यानी कि जो होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर थे 10 महीने में 338 करोड़ रुपए कमा गए। और ये न्यू एक्साइज पॉलिसी जो है, ये विंडफॉल गेन्स जो है कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिला जिन्होंने किकबैक और घूस ब्राइब्स दी हैं। इसकी पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इसको रेकग्नाइज किया और ये कहा कि इन व्यू ऑफ द अफोरसेड डिस्कशन एंड फॉर द रीजन स्टेटेड, हम ये बेल का जो यहां पर हमारे सामने एक लगा हुआ है जो पेटिशन, इसको हम खारिज करते हैं। 338 करोड़ रुपए की कहीं ना कहीं विंडफॉल गेन्स दी थी और ये किकबैक और घूस में तब्दील हुई। ये पूरी तरह से ग्राउंड मानकर सुप्रीम कोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दी, यानी सीबीआई 338 करोड़ के अतिरिक्त कमीशन को काली कमाई बता रहा है। इसे सुप्रीम कोर्ट ने टेंटेटिव तौर पर मान्यता भी दे दी है। वैसे आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर अपनी ईमानदारी का दावा करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्टडी करने और कानूनी विकल्प तलाशने की बात की है। सुनिए केजरीवाल सरकार के मंत्री आतिशी का ये बयान। ईडी के अपने आरोपों में भी मनीष सिसोदिया के पास कोई भी पैसा पहुंचते हुए वो नहीं दिखा रहे हैं। तो ये 338 का फिगर क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट की बहस में नहीं आया था आज तक। और ये 338 करोड़ का मनीष सिसोदिया जी के साथ क्या लिंक है, इसको भी एक बारी ऑर्डर देख के समझना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है, चाहे कितने भी आरोप ईडी सीबीआई दिल्ली पुलिस लगा ले, कोई भी सबूत साबित नहीं होगा। तो आम आदमी पार्टी अब भी ईमानदार, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी ये आतिशी जी का कहना है। इसी महीने की 4 अक्टूबर को शराब घोटाला मामले में ही ईडी ने सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया था। संजय सिंह की गिरफ्तारी सरकारी गवाह बन चुके शराब कारोबारी दिनेश अरोड़ा के बयानों के आधार पर हुई थी। दिल्ली कोर्ट में संजय सिंह की रिमांड कॉपी में ईडी ने दावा किया था कि संजय सिंह और दिनेश अरोड़ा के संपर्कों की कॉल डिटेल्स हैं और दिनेश अरोड़ा द्वारा इकट्ठा किए गए 3 करोड़ रुपए में से 2 करोड़ रुपए संजय सिंह तक पहुंचे थे। शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की गिरफ्तारियों के बाद आज के सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी के हमले बढ़ गए हैं। सुनिए सांसद मनोज तिवारी का ये बयान। ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है और इनका मनी ट्रेल एस्टेब्लिश हो चुका है। ये लोग शराब घोटाले में, तरह तरह के भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हो चुके हैं कि अब इनको माननीय सुप्रीम कोर्ट भी बेल देने से इनकार कर दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो पाप करता है वो एक न एक दिन उसके सामने आता है और आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं का अब गिरफ्तार होना बहुत करीब दिख रहा है। आम आदमी पार्टी विपक्ष के उस इंडी गठबंधन का हिस्सा है जो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को बीजेपी का पॉलिटिकल टूल बता रही है। लेकिन मनीष सिसोदिया से लेकर सत्येंद्र जैन और तृणमूल के पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी के मामलों में जांच एजेंसी का केस मजबूत नजर आ रहा है। इसी तरह तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा पर भी कैश फॉर क्वेरी मामले का शिकंजा कसता जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्रालय ने कंफर्म किया है कि दर्शन हीरानंदानी ने दुबई के कॉन्सुलेट में डेजिग्नेटेड अधिकारी के सामने
स्वेच्छा से दस्तखत किए हैं। विदेश मंत्रालय ने अपना जवाब संसद के एथिक्स कमेटी को भेज दिया है, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। दर्शन हीरानंदानी के स्वोन एफिडेविट में कंसुलेट की अधिकारी उर्मिल आसीवाल के सामने दस्तखत किए गए थे। मेरे साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में भी दर्शन हीरानंदानी ने कहा था कि एफिडेविट को लेकर उन पर कोई दबाव नहीं था। तो आज पब्लिक उठा रही है सवाल। पब्लिक का सवाल नंबर एक, क्या शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट का 338 करोड़ के 7% कमीशन को मनी ट्रेल मानना केजरीवाल की ईमानदारी पर सबसे बड़ा सवाल है? क्या शराब घोटाले में जांच को मिली शुरुआती कामयाबी से सीबीआई ईडी पर विपक्ष का हमला कमजोर होगा? क्या महुआ मामले में हीरानंदानी के एफिडेविट पर विदेश मंत्रालय की पुष्टि से महुआ की मुश्किलें बढ़नी तय हैं? क्या 2024 में विपक्ष के भ्रष्टाचार के मामले नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा राजनीतिक दांव साबित होंगे? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। रवि श्रीवास्तव जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तौसीफ खान, तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, बहुत वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं, मेरे सहयोगी भी हैं। और सबसे पहला सवाल मैं पूछूंगी, गौरव भाटिया बीजेपी स्पोक्सपर्सन हैं और सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में भी हैं, तो आज कोर्ट में क्या हुआ शायद गौरव भाटिया सबसे अच्छा सबके लिए डिकोड कर पाएंगे। तो गौरव भाटिया जी, आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आम आदमी पार्टी अभी भी कह रही है कि वो सबसे ईमानदार पार्टी है, और उससे पहले अरविंद केजरीवाल जी ने तो कई तमके भी दिए थे मनीष सिसोदिया जी को, लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट ने बेल याचिका को रिजेक्ट कर दिया है मनीष सिसोदिया जी के, और मनी ट्रेल बिल्कुल साबित होती है ऐसा उन्होंने कहा है, क्या इससे ये तय नहीं हो गया कि 7% का जो एक्स्ट्रा कमीशन था वो कहीं ना कहीं घूसखोरी में कुछ लोगों के पास गया है और यही प्रोसीड ऑफ क्राइम है? देखिए नाविका जी, मैं कहूंगा आज ये बात सत्य है, आया था जनता का लाल बनकर रह गया शराब कारोबारियों का दलाल बनकर। और ये बात क्यों मैं कह रहा हूं, देखिए हमें याद करना होगा, मनीष सिसोदिया जी राइट हैंड थे ये अरविंद केजरीवाल के, उप मुख्यमंत्री, शराब मंत्री, और हुआ क्या, आठ महीने से जेल में है, जो कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट पा रहे थे अरविंद केजरीवाल से वो कट्टर बेईमान निकले। और आज सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने उनको बेल देने से मना कर दिया, पहला। दूसरा, 8 महीने से जेल में है फिर भी बेल नहीं मिली, इसका मतलब प्रथम दृष्टया इन लोगों ने लूट खसोट करी, कमीशन खोरी करी, जनता की गाड़ी कमाई इन्होंने लूटी है। तीसरी बात जो जजमेंट में खुद आई है, 338 करोड़ रुपए जो है इन्होंने प्रथम दृष्टया लूट खसोट करी है और शराब के जो कारोबारी है उनको इन्होंने फायदा पहुंचाया है। चौथी बात, मनीष सिसोदिया ने स्वयं जो एविडेंस था उसको खत्म करना, नाश करना उसका ये किया है, ये भी कहा है, क्योंकि 2 मोबाइल फोन उन्होंने नष्ट किए। और जिस दिन एलजी ने कंप्लेंट फॉरवर्ड करी सीबीआई को, मीडिया के माध्यम से पूर्व उप मुख्यमंत्री कट्टर बेईमान मनीष सिसोदिया को पता चला, उन्होंने तुरंत नया फोन लिया। नया फोन क्यों लिया अगर इतने कट्टर ईमानदार थे, और अरविंद केजरीवाल इस शराब घोटाले के किंगपिन हैं, उन्हें तुरंत तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, चाहे शीश महल का घोटाला हो चाहे शराब घोटाला हो, घोटाले नंबर वन कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल है और जनता उनसे इस्तीफा मांग रही है। रवि श्रीवास्तव जी,
कॉन्स्पिरेसी, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि कॉन्स्पिरेसी हुई, ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने मान ली कि 7% एक्स्ट्रा कमीशन हुई, यानी कि 5% कमीशन सीधा 12 पे चली गई और जो एक्स्ट्रा पैसे थे 338 करोड़, वो कहीं ना कहीं ब्राइब्स और किकबैक्स में गए हैं। अब इसके बाद तो आप नहीं कहेंगे कि सीबीआई जो है पॉलिटिकल टूल है, क्योंकि हर बार यही कहा गया कि पॉलिटिकल काम हो रहा है, बदले की भावना से काम हो रहा है। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी बदले की भावना से काम कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट फैसले का सम्मान होना चाहिए, हम भी करते हैं, और मैं अपने अधिकार से अपनी बात से कह सकता हूं कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पूरी तरह से असहमत हूं, क्योंकि इसी महीने की 12 तारीख को जब माननीय जज साहब ने ईडी और सीबीआई को फटकार लगाई थी और ऐसे ऐसे सख्त सवाल पूछे थे, उसके बाद 18 दिनों में कैसे माननीय उच्चतम न्यायालय को मनी ट्रेल मिल गई, वो भी 338 करोड़ की। 338 करोड़ का आंकड़ा कहां से आया? 7% कमीशन आपने बताया, वो कमीशन किसको मिला? होलसेल ट्रेडर्स को मिला। इसमें सारे किस्से में ये बात कहां सिद्ध होती है कि वो पैसा मनीष सिसोदिया के पास आया? 338 करोड़ रुपए क्या हवा में उड़ गए, गायब हो गए? टेंटेटिवली एक्सेप्टेड का मतलब होता है नो प्रूफ, कोई सबूत नहीं है, सिर्फ ये माना गया, अश्यूम किया गया, प्रस्यूम किया गया कि ये पैसा आया होगा। ये किसको मिला? 1000 रेड हो चुकी है, कितने लोगों से पूछताछ हो चुकी है, 18 महीनों से पूछताछ चल रही है, प्रोसिक्यूशन ने आज तक 8 महीनों में कभी भी ये बात एक बार कही कि 338 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है? 100 करोड़ रुपए का आरोप मनीष सिसोदिया पे लगाया गया, वो भी कहा गया कि इट्स ए मैटर ऑफ डिस्कशन, ये सारी चीजें इसी जजमेंट में लिखी हुई है, इट्स ए मैटर ऑफ डिस्कशन। 2 करोड़ 20 लाख का एक आरोप लगाया गया, वो भी कहा गया कि ये मनीष सिसोदिया इसमें लिप्त नहीं है। पर ये सारी साजिश है कि किसी तरीके से इस मामले को लोकसभा के चुनाव तक खींचा जाए, ताकि जो आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की साजिश है वो जारी रहे, जिससे भाजपा किस पर इल्जाम लगा रहे हैं? इसके आप किस पर इल्जाम लगा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट पर? जैसे ही आप सुप्रीम कोर्ट पर इल्जाम लगा रहे हैं कि सारे मैटर को वो खींचने की कोशिश कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी अपनी पीसी में स्पष्ट रूप से कह चुकी है। नहीं, पर रवि श्रीवास्तव जी, आप आरोप किस पर लगा रहे हैं? कोर्ट पर लगा रहे हैं? अब मेरी बात ही नहीं सुनाई देगी। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं। अगर सुप्रीम कोर्ट के पास ऑब्जर्वेशन का अधिकार है तो मेरे पास भी ऑब्जर्वेशन का अधिकार है। गौरव भाटिया, मैं भी ऑब्जर्व कर सकता हूं, मैं कह सकता हूं। गौरव भाटिया, 18 महीनों में मनी ट्रेल कहां से आ गई? गौरव, पूछ सकता हूं सवाल ये? गौरव भाटिया, रवि श्रीवास्तव जी की ऑब्जर्वेशन जो है वो उतनी ही बड़ी है जितनी सुप्रीम कोर्ट की होती है, आपकी क्या राय है? वो आपकी सोच है। देखिए, ऐसा है कि कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल के समर्थक हैं, तो बेईमानी करना तो इनका जनसिद्ध अधिकार है। चार बार कट्टर, लेकिन मैं वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते आपत्ति दर्ज करता हूं आपके चैनल के इस प्रोग्राम में कि ये सर्वोच्च न्यायालय के लिए किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है वो चुनाव के मद्देनजर दिया है। सबूत, सर्वोच्च न्यायालय ने बेल नहीं दी तो आप महाज्ञानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के ऊपर हो गए कि आप बता रहे क्या त्रुटि है। और नाविका जी, एक बात और कहूंगा, अगर मनीष खाता ना बही, देश का सर्वोच्च न्यायालय जो कहे वही सही, पढ़ते लिखते ये लोग है नहीं, इन्होंने कहा कैसे? समय दूंगी पर पहले गौरव भाटिया जी की बात सुन लीजिए। 24 अगर पढ़ लेते, 2G, ये केस 2G की लाइन पर जा रहा है, 2G की लाइन पर। अरे भाई यार, 2G पूजी मत करिए भाई, आप इस वक्त जो है अरविंद केजरीवाल जी करिए, अरविंद केजरीवाल जी, ठीक है। नाविका जी, इन्होंने एक बात उठाई, इन्होंने कहा 338 करोड़ का कहां से अंक आया, ये कैसे आया? पैरा 24 अगर आप पढ़े, 5% कमीशन थी जो होलसेल के डिस्ट्रीब्यूटर थे और शराब के ठेकेदार थे, वो 12% कर दी गई। जितनी शराब बिकी 10 महीने में, 7% का जो मार्जिन है
वो 338 करोड़ है। और ये गया किसकी जेब में? ये गया किकबैक के तौर पे मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल की काली तिजोरी में, और जो व्यापार कर रहे थे ठेकेदार थे शराब के। अब मैं कहूंगा जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, अरविंद केजरीवाल तेरे पास आ रही है हथकड़ी, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, छूटेगा नहीं, चाहे शीश महल हो चाहे शराब घोटाला हो। और आज सर्वोच्च न्यायालय ने जब मुहर लगाई है तो इन लोगों को नतमस्तक होके उस फैसले का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको देश के न्यायपालिका पे विश्वास सही है तो आपको किस पे विश्वास होगा? छाती पीटते थे जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे, आज कहना गलत नहीं है। मैं कह रहा हूँ जेल के ताले नहीं टूटे, भ्रष्टाचारी नहीं छूटे, जेल के ताले नहीं टूटे, भ्रष्टाचारी नहीं छूटे, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया। रवि श्रीवास्तव जी, 380 करोड़ का जो आंकड़ा है वो तो ईडी ने अपने पहले चार्जशीट में दिया था रवि श्रीवास्तव जी। अब आज अगर सुप्रीम कोर्ट उसको वहां मान रही है और उन्होंने सारा ये पढ़ा है 338 करोड़ का मामला, तो ये मामला चार्जशीट में दायर है, ये कोई नया नहीं निकला। इसके पहले ये आपने कभी 338 करोड़ बोला था आज तक? क्या 18 महीने में मुझे बता दीजिए, तो आपने कभी 338 करोड़? आम आदमी पार्टी के लॉयर, आम आदमी पार्टी के लॉयर, आम आदमी पार्टी के वकील अगर आर्ग्यू करना चाहते थे तो चार्जशीट पढ़ के कर लेते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में अगर इसका हवाला दिया है तो मेरी गलती क्या है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी? 338 करोड़ का जो फिगर है वो तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, लेकिन रवि श्रीवास्तव जी को लग रहा है हम ही लोग निकाल कर कहीं से ले आए, सुप्रीम कोर्ट निकाल कर कहीं से ले आए, और सारा जो मामला है वो पॉलिटिक्स में है। ये हर बार जो हवा बनाई जाती है कि बदले की भावना है, बीजेपी यूज कर रहा है एजेंसियों को, अब ये मामला कहां जाकर टिकता है जब सुप्रीम कोर्ट छठी बार बेल को रिजेक्ट करता है और कहता है कॉन्स्पिरेसी भी है और इसमें घूसखोरी भी। नविका जी, मनीष सिसोदिया जी की जमानत अर्जी खारिज की है, और खारिज करते दो जो लाइनें महत्वपूर्ण है मैं उसको बोलता हूं। उन्होंने कहा कि बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां संदेह होता है, जहां पक्की तरह पर पुख्ता तौर पर हम कह नहीं सकते, लेकिन 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल इस्टेब्लिश होता है और इसीलिए हम आपकी जमानत याचिका खारिज करते हैं, हम आपको जमानत नहीं दे सकते। इसके आगे क्या कहा सर्वोच्च न्यायालय ने? उन्होंने कहा 6 से 8 महीने के भीतर एजेंसी इस जांच को पूरी करे। अगर हमें लगा कि 3 महीने में जांच धीमे चल रही है, अगर आपको लगा कि जांच ठीक नहीं चल रही, तो 3 महीने के भीतर या 3 महीने के बाद फिर से आइएगा। इसका मतलब समझिए, इतने लंबे समय तक फरवरी में गए थे जेल, फिर से अक्टूबर आज बीत गई, लगभग एक दिन और बचा हुआ है। इतने समय के बाद सर्वोच्च न्यायालय मनीष सिसोदिया को जमानत देने को तैयार नहीं है। आमतौर पर अगर कितना भी गंभीर मामला हो, लेकिन अगर गवाह छेड़े जाने की स्थिति ना हो, सबूत खराब करने की स्थिति ना हो, किसी पर डराने धमकाने की स्थिति ना हो, तो न्यायालय आमतौर पर बेल देता है, जेल एक्सेप्शन होती है। लेकिन यहां अगर बार बार जेल जाना पड़ रहा है तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि उप मुख्यमंत्री रहे, शराब मंत्री रहे, मनीष सिसोदिया के तार बहुत ठीक से जुड़ते हैं। दूसरा, जब मनी ट्रेल इस्टेब्लिश हुई तो अभी एजेंसियों की जिम्मेदारी है कि वो बताएंगे कि ये जो कमीशन का पैसा है ये कब कब कहां कहां किसको मिला और किसके उपयोग में आया है। अब अगर इसके बावजूद कोई ये कहे कि सर्वोच्च न्यायालय के ये ऑब्जर्वेशन था और हम भी ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं, तो सिवाय इस पर हास्य के और कुछ नहीं कहा जा सकता। वहां बाकायदा फैक्ट के आधार पर, इतनी लंबी सुनवाई के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश एक बात कह रहे हैं और यहां हम उसको मजाक में उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। खतरा समझिए नविका जी, दरअसल ये खतरा इस गठजोड़ के ऊपर है
जो बार बार कहता था कि ईडी और सीबीआई तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह सुबह उठ के कहते हैं और वो किसी के यहाँ चले जाते हैं। असली डर इनको ये है, इस वजह से ये बात करने की कोशिश हो रही। तो आपने सही मर्ज की जो नब्ज है वो पकड़ ली। और मैं तहसीन पूनावाला जी से ये पूछना चाहती हूँ। तहसीन पूनावाला जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, 338 करोड़ की बात हुई, अब ये 338 करोड़ ये सुप्रीम कोर्ट मान रही है कि ये प्रॉफिट्स में गए हैं, विंडफॉल में गए हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर थे होलसेल उनके पास ये कमीशन में गए हैं। और किसने ऐसी पॉलिसी बनाई कि उनका विंडफॉल हुआ, वो मनीष सिसोदिया ने बनाई। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी लगभग एस्टैब्लिश हो गई कि नहीं हो गई, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब इसके बाद उनके पास पैसे मिले ना मिले, भैया आपने उनको फायदा दिलवाया, वो फायदे के पैसे कहां गए? वो चाहे मनीष सिसोदिया के पास गए हो ना गए हो, उनकी पार्टी में गए हो, मुद्दा तो ये है कि एक मंत्री जो बैठा हुआ था उसकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से ये लगभग फायदा 338 करोड़ का हुआ। अब इस पर आप मुझे बताइए तहसीन पूनावाला जी, क्या सुप्रीम कोर्ट ने बेल की अर्जी रिजेक्ट करने के बावजूद भी कोई कहीं पर रह गई है गुंजाइश ये कहने की कि आम आदमी पार्टी अभी भी बहुत ईमानदार है, मनीष सिसोदिया ईमानदार हैं, कहीं है गुंजाइश? अजी थैंक यू सो मच, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला। और मैं शुरुआत में हर्षवर्धन जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस मामले की अच्छी पढ़ाई की और बहुत लॉजिकल बात की, लेकिन मैं बिल्कुल उनसे और गौरव भाई से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मैं मानता हूँ कि आम आदमी पार्टी को बहुत सारे सवाल देने होंगे लेकर पॉलिसी को लेकर। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था मैं दूंगा पाठशाला दिया दिल्ली को मधुशाला, लेकिन क्या मनीष सिसोदिया जी पर गिल्ट एस्टैब्लिश होता है? नहीं, बिल्कुल एस्टैब्लिश नहीं होता है। दिक्कत क्या है नाविका जी की, ईडी के प्रोविजन बहुत ज्यादा ड्रकोनियन है, इतने ड्रकोनियन है कि ट्विन कंडीशन में आपको बेल मिलना लगभग असंभव है। इसीलिए ये हो जाता है कि यू आर गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। जो हर्षवर्धन जी ने कहा कि आप इनोसेंट होते जब तक आप गिल्टी साबित नहीं होते, ईडी उसको चेंज कर दिया है, आप गिल्टी होते जब तक आप इनोसेंट साबित नहीं होते। इसलिए चार्जशीट फाइल होना और चार्जशीट फाइल होने के बाद भी ईडी को सिर्फ यही कहना है कि हमें कुछ सबूत मिला, कुछ लीड मिला और टेंटेटिव लगता है। टेंटेटिव शब्द बहुत जरूरी है कि कुछ गलत हुआ है, और जब तक टेंटेटिव शब्द पे आपको बेल नहीं मिलेगा, क्योंकि बेल के लिए कोर्ट को ये पूरी तरह से एस्टैब्लिश करना चाहिए कि आप हो, ना कि आप टेंटेटिवली गिल्टी हो। अब इसमें दूसरी दिक्कत क्या आती, बेल की हियरिंग में आप फैक्ट्स तक आप अपने आपको इनोसेंट साबित नहीं करते। मैं समझता हूं ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है, और सुप्रीम कोर्ट जिसके सामने मैं अपना सर झुकाता हूं, मैं मानता हूं ईडी के इन खतरनाक प्रोविजंस को स्ट्राइक डाउन करना चाहिए। मैं आपके सवाल का जवाब देते अपनी बात को समाप्त करूंगा। मान लो कल मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता हूं, कल मैं मिनिस्टर बनता हूं, और मैं कोई ऐसी पॉलिसी निकलता हूं बनूंगा जिससे समझो किसी एक किसी का लाभ हो, किसी एक ग्रुप का लाभ हो, क्या लाभ होना करप्शन है? वो मनी ट्रेल कहां एस्टैब्लिश हुआ है मनीष सिसोदिया को कि और 338 करोड़ में मनीष सिसोदिया या आम आदमी पार्टी को पैसा मिला? तो, किसी तो का ईडी सीबीआई ने कब कहा कि पूरी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है और फला जगह गया फला? यहाँ पर क्या बात हो रही है मनीष सिसोदिया जी की इन्वेस्टिगेशन? मैं कह रहा हूँ जब तक खत्म नहीं होगी बेल नहीं मिलेगा। और ईडी क्या करती है, हर डेट पे गौरव 10 सेकंड होगा, ईडी क्या करती है, हमें एक नया क्लू मिला है, टेंटेटिव है, हम इसको फॉलो कर रहे हैं, तो चार्जशीट के बाद भी इन्वेस्टिगेशन चालू रखते हैं तो बेल मिलेगा ही नहीं ना, यही बात मैं कह रहा हूं। आपने बिल्कुल इसको नेल किया नाविका जी। ठीक है, हाथ ऊपर उठ रहे, तौसीफ खान आ रही हूँ, पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी और फिर गौरव भाटिया। हर्षवर्धन जी साहब मानते तो मैं पढ़कर आया हूँ गौरव भाई। तहसीन भाई आपको सिर्फ एक बात, देखिए ये ठीक बात है कि ईडी के प्रोविजंस ऐसे हैं कि उसमें जमानत नहीं मिलती, लेकिन मैंने जो शुरुआती टिप्पणी में ही कहा था आज इसलिए जमानत नहीं मिली है कि वो ईडी के प्रोविजन, आज मनी ट्रेल इस्टैब्लिश होना सुप्रीम कोर्ट की नजर में आया इसलिए उन्होंने खारिज किया। और वो ये भी कह रहे हैं कि रोज रोज जमानत के लिए मत ले आओ क्योंकि आधार नहीं है तुम्हारे पास। ये मनीष सिसोदिया के लिए चिंता की बात है, आप उस ऑर्डर को
फिर से डिटेल में पढ़िए, सर्वोच्च न्यायालय ने पिछली हीरिंग पर क्या किया था, बहुत फटकार लगाई थी, सब खुश हो गए थे कि अरे वाह पार्टी को पार्टी नहीं बनाया, कि एकदम से कुछ ही नहीं है, ऐसे कैसे ईडी चली आती है। आज वही जब ऑब्जर्वेशन आ रहा है तो आप उस ऑब्जर्वेशन को कैसे खारिज कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय बहुत साफ साफ कह रहा है मनी ट्रेल इस्टैब्लिश हुआ है। अब ये एजेंसी का काम है, ये हम लोग थोड़ी ना टीवी की डिबेट में तय कर लेंगे। लेकिन गौरव भाटिया जी एक मिनट, तहसीन गौरव भाटिया जी, ये जजमेंट मेरे हाथ में है। जजमेंट का पहला पेज जो लोग इतना अध्ययन करके आए हैं वो जजमेंट का पहला पेज पढ़ लें। जजमेंट के पहले पेज पर क्या कहा है, किसके और किसके बीच में ये केस है? ये केस है मनीष सिसोदिया और सीबीआई के बीच। नाविका जी मैं बताता हूँ, अब ये सीबीआई की बात हो रही है, आप एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के गाइडलाइंस लेकर आ गए हैं तहसीन पूनावाला, और यही हेर फेर जो शब्दों का इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का, क्या इसी वजह से सारी पॉलिटिक्स हो रही है गौरव भाटिया जी? देखिए नाविका जी, आज तहसीन मेरे छोटे भाई हैं, पढ़ लिख के नहीं आए हैं, और मैं वजह बताता हूँ। अच्छा। पहली गलती जो इन्होंने करी, जो आपने भी अभी बताया, ये जो बेल रिजेक्ट हुई है ये सीबीआई के केस में हुई है, ईडी के नहीं। हमें याद रखना चाहिए दो केसेस चल रहे हैं, दिल्ली उच्च न्यायालय में भी बेल नहीं मिली, ईडी वाले केस में भी और सीबीआई वाले में भी, और सर्वोच्च न्यायालय का ये जो फैसला है सीबीआई के केस में, पहली बात। तो अगर पढ़ लिख के आते तो ये गलती ना करते, लेकिन गलती से मिस्टेक हो गया, अब आप वो सोनिया गांधी के समर्थन में खड़े रहते, गलती कर देते। दूसरी बात जो कही जा रही है कि ईडी के केस में जमानत नहीं होती, ये भी गलत है। एक डबल टेस्ट है, जमानत जब होगी तो डबल ट्विन टेस्ट होता है, ये सर्वोच्च न्यायालय ने बताया है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कहता है, और अगर आप उसको सेटिस्फाई करते हैं तो आपको जमानत उसमें भी मिल जाती है। जब आज जमानत नहीं हुई, तहसीन कह रहे थे कि बेल नहीं हुई है, बेल नहीं हुई है, अभी चलेगा। मैं आपको बताता हूं, जनरली बेल होती है, लेकिन प्रथम दृष्टया जब बहुत सबूत मजबूत होते हैं, साक्ष्य मजबूत होते हैं, तब सर्वोच्च न्यायालय बेल नहीं देता। इसका मतलब जो केस सीबीआई ने बनाया है ये बहुत ठोस आधार पे है, इसमें प्रमाण है, साक्ष्य है, गवाह है, अप्रूवर है। तीसरी बड़ी बात, ये 14 दल गए थे सर्वोच्च न्यायालय, याद करिएगा, इन्होंने यही बात कही थी, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने वो 14 राजनीतिक दलों की याचिका को खारिज किया, पार्था चैटर्जी को बेल नहीं मिली, सोनिया गांधी राहुल गांधी का मामला खत्म नहीं हुआ नेशनल हेराल्ड का। और मैं इतना कहूंगा, क्या राजनीतिक द्वेष के आरोप पर सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय मामला रद्द कर सकता है? उत्तर है हाँ, कर सकता है। मनीष सिसोदिया की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो मामला रद्द कराए, एक बार सुप्रीम कोर्ट गए थे, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका रद्द कर दी थी, ये भी एक तथ्य है। ये तथ्य इसलिए दिए, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है अरविंद केजरीवाल है, आज वो बाहर नहीं निकल के आएगा, वो ये नहीं बताएगा कि सर्वोच्च न्यायालय में उसकी आस्था है या नहीं। बिल्कुल, और मैं तौसीफ खान भाई आपसे भी पूछना, मैं तहसीन आ रही हूँ, तहसीन आ रही हूँ, तौसीफ खान साहब बोले नहीं है, तो तौसीफ खान साहब मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ। हर बार हर राजनीतिक दल जो विपक्ष में बैठा है वो यही मुद्दा उठाता है कि अरे भाई ईडी सीबीआई अब बीजेपी के अंडर है, इनकम टैक्स भी इनके अंडर है, जब मन करता है कहीं भी भेज देते हैं। अब बताइए पार्था चैटर्जी के मामले में बेल हुई नहीं हुई? नोटों की गड्डियां निकली थी, निकली थी। अब इसमें ईडी की क्या गलती है, सीबीआई की क्या गलती है? और उधर मनीष सिसोदिया जी को अगर बेल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया तो उसमें बीजेपी की गलती है या सीबीआई की गलती है या ईडी की गलती है? और तीसरा सवाल, अब महुआ मोइत्रा जी का भी मैटर है। महुआ मोइत्रा जी पहले कह रही थी कि सब कुछ जो है वो बीजेपी करवा रही है, लेकिन उसके बाद खुद ही मान लिया कि भाई लॉगिन भी दिया था, पासवर्ड भी दिया था, कुछ घर में आर्किटेक्चर जो था उसका हमने हेल्प भी लिया था, सब कुछ तो मान लिया उन्होंने। और उन्होंने सबसे बड़ा सवाल उठाया था दर्शन हीरानंदानी, जो उनके ही मित्र थे, दर्शन हीरानंदानी को पीएमओ ने दबा दबू के उनसे एक एफिडेविट साइन करवा लिया। आज
पहले दर्शन हीरानंदानी ने मुझे इंटरव्यू दिया और आज एमईए ने भी कह दिया, नाम भी दे दिया कि भाई ये कॉन्सुलेट में अफसर है, इनके सामने आकर उन्होंने साइन किया। अब मुझे बताइए कि झूठ झूठ होता है, सच सच होता है, दूध और पानी का पानी करने के लिए अगर एजेंसियां लगती हैं तो इसे राजनीतिक क्यों बताया जाता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने खुद आज एक बात को हाईलाइट किया। आपने सही बोला कि हाँ, बेल रिजेक्ट हुआ टेंटेटिवली मनी ट्रेल के पॉइंट पे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बताया कि ट्रायल नहीं स्टार्ट हुए, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि 3 महीना के अंदर अगर ट्रायल स्लॉपी तरीके से चलता है, स्लो चलता है, तो मनीष सिसोदिया जी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं कोर्ट में आकर के। ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया, और इससे ये साबित भी होता है कि एक और तरीका जो एजेंसीज जनरली अडॉप्ट करती है वो ट्रायल नहीं करवाती। होना ये चाहिए कि जब आप चार्जशीट फाइल करते हैं, चार्ज फ्रेम हो जाती है, तो इमीडिएटली आपको ट्रायल स्टार्ट करना है, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ये रहा बात मनीष सिसोदिया का। अभी आपने बात कहा महुआ मोहित्रा के बारे में, आपने कहा कि हाँ आपने हीरानंदानी का इंटरव्यू भी लिया, लेकिन महुआ मोहित्रा ने इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया, बल्कि उन्होंने ट्वीट भी किया है। आपने सही कहा कि हाँ बहुत सारे पॉइंट वाइज आंसर दिए हैं महुआ मोहित्रा ने, लेकिन उसका आपने गलत इंटरप्रिटेशन किया। महुआ मोहित्रा ने बताया बहुत ही क्लियरली कि जो उनके घर को रेनोवेशन की बात थी उस पे उन्होंने हीरानंदानी से, क्योंकि वो आर्किटेक्ट है उनके पास में, वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लाइन से हैं, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे डिज़ाइन करके दीजिए, डिज़ाइन कर लेना, लेकिन जिस बंगले में वो रहती हैं उन्होंने क्लियर कहा कि यहाँ कोई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर आया ही नहीं, इसे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ने उसका रेनोवेशन किया, तो वो चार्ज तो इस्टेब्लिश ही नहीं होता। और यही वजह है कि टीवी डिबेट में दोबारा उस बात को उठाया ही नहीं जाता। कल तक जो बात कहा जाता था कि कैश फॉर क्वेरी क्विड प्रो क्वो जो इल्जाम लगाए जाते थे, अब वो इल्जाम लगाए ही नहीं जाते। अब क्या बोले जाते हैं? तौसीफ खान भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं ये प्रूव नहीं कर सकती ये मामला, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है मनीष सिसोदिया का मामला, एथिक्स पैनल क्विड प्रो क्वो डिसाइड करेगा। लेकिन सवाल ये है, घर का डिजाइन किसी ने किया या नहीं किया ये तो अलग बात है, लेकिन लॉग इन दिया और लॉगिन पर सवाल पूछे, ये तो सब मान चुके हैं। ये नाविका तो जी, मैं कुछ चाहता हूँ कहना। और बात नाविका जी, मैं कुछ चाहता हूँ, आपने मेरे को कहा था मैं नाविका जी कुछ कहूँ। तहसील जी पहले और फिर मैं गौरव भाटिया पे आ रही हूँ। गौरव भाई, मैं सिर्फ एक मिनट लूंगा, फिर आप लॉगिन को लेकर 30 सेकंड पब्लिक के सवाल भी है, 30 सेकंड। तहसील, दो चीज मैं तौसिफ से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। ये बात मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्टर की उठाई थी, ये कॉन्ट्रैक्टर महुआ बिल्कुल सही कर रही है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर नहीं, सरकारी कॉन्ट्रैक्टर नहीं। वो पॉइंट है ही नहीं, इंपॉर्टेंट चीज नहीं नाविका जी, लॉगिन आईडी और पासवर्ड का ये पूरा सवाल है। वो तो मामले में मैं आपके साथ हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्टर वाले बस पता है, कॉन्ट्रैक्टर ड्रॉइंग आर्किटेक्ट की ये कोई मायने नहीं रखता, लॉगिन आईडी है कि नहीं, क्वेश्चंस किसी और ने पूछे एमपी के अकाउंट में और उसमें कोई क्विड प्रो हुआ है कि नहीं, सवाल सिर्फ यहीं तक है। लेकिन गौरव भाटिया नाविका जी, प्लीज 30 सेकंड में अपनी बात समाप्त कर दे, हो जाती थी समाप्त। चलिए कॉन्ट्रैक्टर की बात को छोड़ दो, गौरव एक बात गलत बोले, मैंने आपको व्हाट्सएप किया है, आज जो केस की बेल की हियरिंग थी सीबीआर ईडी दोनों थी, एचवी राजू सीबीआई और ईडी दोनों के थे, और ईडी में आपको बेल नहीं मिलता, मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया है लाइव लॉ और बार एंड बेंच, प्लीज फैक्ट चेक कर देना। गौरव ने गलत, गौरव भाटिया नहीं, मैं उत्तर देता हूँ, आप गलत कहे गौरव जी, आप पढ़के आए हैं। नहीं, जो तहसील ने बात कही वो बात मैं बिल्कुल दुरुस्त करना चाहता था, ये नहीं पढ़ के नहीं आया करिए, जो कॉस्ट टाइटल है उसमें नीचे एक नंबर लिखा है, वो मैंने निकलवा लिया है, ईडी का नंबर लिखा हुआ है, मनीष सिसोदिया वर्सेज डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, तो ये ठीक बात है। लेकिन मैं एक बात और बता दूं, जो जजमेंट की रीजनिंग है इसमें सीबीआई केस पे ही पूरी रीजनिंग है तहसील, ये आप भी देख लेना। और महुआ मोहित्रा की बात क्विड प्रो को बता दूं, टीएमसी पार्टी खुद कह रही है कि महुआ मोहित्रा के खिलाफ जो कार्रवाई बनती है वो होनी चाहिए, महुआ मोहित्रा के साथ खड़ी नहीं है, और क्विड प्रो को ये होता है
महुआ मोहित्रा ने मान लिया है कि उन्होंने स्कार्फ लिए थे और ये स्कार्फ वो वाले नहीं है जो 200-300 रुपए वाले होते हैं, 2-2-3-3 लाख रुपए के स्कार्फ लिए जाते थे और अपना आईडी दिया जाता था। यह आईडी जो दिया गया है ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है और इसीलिए पार्लियामेंट अपना काम कर रही है। हमें उम्मीद है कि इंसाफ होगा और महुआ मोहित्रा को पता चलेगा देश की सुरक्षा के साथ छेड़छाड़ करेंगी तो क्या हश्र होगा। बिल्कुल, और पब्लिक पूछ रही सवाल, रवि श्रीवास्तव जी ध्यान से सुनिएगा, मुरारी लाल का महाराष्ट्र से सवाल है, विपक्ष के नेता जब फंसते हैं तब इतना बचकाना जवाब क्यों देते हैं, सिर्फ आरोप लगाते रहेंगे क्या। संजय मिश्रा का भदोही से सवाल है, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होती है तो इसे विपक्ष एकजुटता का पैमाना मानता है, ये कैसी राजनीति है। बीएल ओझा का कानपुर से सवाल है, क्या अब बारी केजरीवाल की नहीं है, शराब घोटाला ही नहीं उनके खिलाफ तो शीश महल का भी केस है। सुधीर का दिल्ली से सवाल है, मेरा सवाल रवि श्रीवास्तव जी से है, सुप्रीम कोर्ट बड़ा या आम आदमी पार्टी। रवि श्रीवास्तव जी, ये पब्लिक के सवालों का जवाब जरूर दीजिए। ईडी और सीबीआई की रेड सिर्फ और सिर्फ विपक्षी पार्टियों के नेताओं पे होती है, चाहे वो डीएमके हो, चाहे वो पार्थो हो, चाहे वो महुआ मोहित्रा हो, चाहे वो महुआ मोहित्रा पे कहां रेड हुई है, शिवसेना हो, चाहे आप एक भी पार्टी विपक्ष की उठा करके देख लीजिए, सारी रेड सिर्फ उनके ऊपर होती है, जबकि बीजेपी के अंदर सिर्फ वॉशिंग मशीन से धुले हुए लोग रखे जाते हैं। ये ईडी का ही रिकॉर्ड है कि 95% रेड जो है वो विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर हो रही है, चाहे वो डीएमके हो, चाहे वो बीआरएस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे की पार्टी हो और चाहे वो एनसीपी का फैक्शन। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर भी कुछ कह दीजिए, सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्पिरेसी भी नजर आ रही है, मनी ट्रेल भी नजर आ रहा है, अब आप इस पर तो जवाब दे दीजिए, पब्लिक पूछ रही है, खत्म करना चाहती है। नहीं, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बेल नहीं दे रही, कह रही है मनी ट्रेल है, वो भी गलत है क्या। सुप्रीम कोर्ट ने आज राघव चड्ढा के मामले में भी ऑब्जर्वेशन दी है, तो सुप्रीम कोर्ट को अपना काम करने दीजिए, हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, बात कर रहे आप लोग ऑब्जर्वेशन पे जा रहे हो, यहां ऑर्डर और जजमेंट की बात हो रही है, चल रही है देश के अंदर, तानाशाही चल रही है देश में, आप कह रहे हो तानाशाही चल रही है देश में जबकि ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से आया है। सवाल पब्लिक आज यही पूछ रही है कि ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स का कथित दुरुपयोग विपक्ष का बड़ा मुद्दा बन चुका है, लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक मामलों में जांच एजेंसियां अदालतों में अपना केस मजबूत बना रही हैं, उससे विपक्ष के आरोप नाकाम साबित होते जा रहे हैं। किसी केस का फैसला क्या होगा ये अदालत में तय होगा, लेकिन कोर्ट के फैसले के पहले जांच पर उंगली उठाना, लोकतंत्र पर हमले से इसे जोड़ना देश की न्यायिक प्रतिक्रिया को कमजोर करता है। आज जब ये ऑर्डर आया है, न्यायिक ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट से है, तो बोलती क्यों बंद है, क्यों कह रहे हैं कि जांच एजेंसियां गलत हैं, क्यों ये नहीं मान रहे कि भैया कुछ तो गड़बड़ घोटाला है। यही है आज सवाल पब्लिक का। आज मैं लेती हूं इजाजत अपने सारे मेहमानों से और दर्शकों आपसे भी।